ओम शांति। आज 23 मार्च 2022, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। 23 मार्च 2022, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी पूरी क्या करनी है, हमें संभाल करनी है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। प्रश्न, विकर्मों से कौन बच सकते, विकर्मों से कौन बच सकते हैं, बाप की सहायता किन्हें मिलती है, बाप की सहायता किन्हें मिलती है, किनको मिलेगी बाप की सहायता, जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे। जो बाप से सदा सच्चे रहते, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस नहीं लेते, वापस नहीं लेते, वापस लेने का संकल्प भी नहीं करते, वे विकर्मों से बच जाते। और जरा भी संकल्प में भी ना आए कि मुझे विकार में जाना, बाप की सहायता उन्हें मिलती जो कर्म विकर्म और अकर्म, इसको अच्छी तरह समझ चुके हो ना। विकर्म बनने के पहले राय ले, पहले सोचे, जिसको कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो फिर करो। साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार देते हैं, साकार ब्रह्मा बाबा को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते बच्चे, सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी छिपाना नहीं, कभी भी अपनी बीमारी छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते हैं कि हे बच्चे, तुम आकर ईश्वर के बने हो और जानते हो हम ईश्वर की संतान है, हम ईश्वर की संतान है, सारी दुनिया मानती है कि वे गॉड फादर है, वे गॉड फादर है, फादर माना हम उनकी संतान ठहरे। परमपिता तो बच्चे ही कहेंगे,
परम पिता तो बच्चे ही कहेंगे। तुम लौकिक के बच्चे तो हो, अब पारलौकिक बाप के बने हो। इसलिए बने हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, बाप है ही स्वर्ग का, स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही है, स्वर्ग में जरूर देवताओं की क्या है, बादशाही है। ये जानकर तुम बच्चे बने हो, यही सोच करके लालच में बने हो ना बच्चे, बिना लालच के बने? सवेरे सवेरे कौन आएगा? राजा को अगर बच्चा नहीं होता तो क्या करते हैं? गोद में लेते हैं, और गोद लेते हैं सौकार की। गरीब बच्चा सौकार के पास गोद जाएगा ना, कोई अमीर बाप का बच्चा गरीब की गोद नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। कुछ लाभ होगा तभी तो गोद लेंगे ना। तुम भी अभी जानते हो हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इस लालच में उनसे स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अब ऐसे बाप को बताओ कभी भूलना चाहिए? भूलना चाहिए कभी? कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी मत पर चलना चाहिए। रावण की मत पर तो विकर्म करते रहेंगे, इन पांच विकारों के वश नहीं होना। कहां भी देखो धोखा खाता हूं तो झट बाबा से मत लेना। कर्म विकर्म बनाने के पहले पूछना चाहिए, तो बाबा हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो समझाया जाता है कभी दे अभिमान में नहीं आना, कभी दे अभिमान में नहीं आना। अपने को आत्मा समझ, परम पिता परम आत्मा की मत पर चलते रहना, कदम कदम। कभी कोई बात समझ में ना आए तो पूछना कि बाबा मैं फलाने पर फिदा हुआ हूं, फलाने पर फिदा हुआ हूं, मेरे को काम के भूत ने घेरा है। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु अपने को संभालना। गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल काला मुंह कर दिया। बाबा तुमको गोरा बनाने आए हैं, इसलिए पांच विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे, जब देह अभिमान में आएंगे। देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा। विकार में जाने से तो बड़ा विकर्म बन जाता, बड़ा विकर्म बन जाता है, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है।
अगर दान देकर वापस लेंगे तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। क्या मिसाल है हरिश्चंद्र का? यहां पैसे की तो कोई बात ही नहीं, यहां तो है पांच विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वो दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। उसने क्या दान किया था राजा हरिश्चंद्र ने? अपना राज्य दान किया था, है नहीं? फिर राज्य दान करने के बाद पेपर देना पड़ा, है नहीं? और पेपर में पास हुआ, कष्ट तो बहुत उठाने पड़े ना। ऐसे ही विकारों का दान देकर पेपर देना पड़ेगा। पेपर बिना पेपर के पास ना हो, वहां उसने पैसे दिए थे तो पैसों का पेपर आया, यहां आपने विकार दान किए हैं तो विकारों का पेपर आएगा। हाँ, तो जो दान दोगे उसी का पेपर आएगा ना। तो यहां भी सवेरे सवेरे उठ करके रोजाना दान करो, शाम को चेक करो, ठीक है? पेपर तो आएंगे। आप सवेरे आज दान करोगे, आज ही आपका पेपर आएगा। और बिना दान किए, बिना पेपर में पास किए रिजल्ट नहीं बनेगा। जब तक दान नहीं करेंगे, फिर पेपर आने पर पेपर में पास नहीं होंगे, तब तक क्या क्या पद पाएंगे? आपको पहले फॉर्म भरोगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, फिर पढ़ाई करोगे, पेपर दोगे, पास होगे, तब तो डिग्री मिलेगी। बिना फॉर्म भरे तो डिग्री नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता है कि पहले पेपर पास करो, पेपर तो पहले पेपर होगा उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। वो तो टेस्ट होते हैं, यहाँ भी टेस्ट होते हैं, ऐसा थोड़ा होता है। पूछा जाता है तब जाकर के उसको होता है, परंतु कहने का ये है कि फॉर्म भरेंगे ना, पहला टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका भी तो फॉर्म भरोगे ना। यहाँ पर भी रोजाना फॉर्म भरने हैं। चलो, ना बताने से पाप वृद्धि को पाते रहेंगे। अगर विकार में जाते हो, अगर वापस लेना हो आपको विकार, तो पहले बाबा कहते मुझे बताओ कि मैं विकार वापस लेना चाहता हूं, ठीक है? जैसा भी बात करते हैं, फिर विकार में जाते रहेंगे, बतलाने से सहायता मिलेगी। बताओगे तो बाबा कहते मैं सहायता दे दूंगा, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से प्रतिज्ञा की है कभी हार नहीं खाएंगे, ये है पांच विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग, उसमें कभी हराएंगे नहीं। अगर गिरा तो शिव बाबा तो झट जान जाएगा, ब्रह्मा बाबा को पता नहीं लगेगा, परंतु शिव बाबा तो झट जान जाएगा। फिर एक हुक्म मिला हुआ है, फिर शिव बाबा ने हुक्म दिया हुआ है, साकार को लिखना, नहीं लिखेंगे तो विकर्म बढ़ता जाएगा और 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा के मारे समाचार नहीं देते हैं,
जैसे कोई गंदी बीमारी होती है तो सर्जन को बताने में दिल खाती है, तो सर्जन क्या कहेंगे? फिर नतीजा क्या निकलता है? बीमारी बढ़ती जाती। बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी पाप हो, कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं तो बिल्कुल पद भ्रष्ट हो जाएगा और कल्प अंतर ऐसा ही पद भ्रष्ट मिलेगा, ऐसा ही पद भ्रष्ट मिलेगा, फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। पूछते हैं बाबा उनकी गति क्या होगी? वे बहुत सजा खाएंगे, कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होता है। जब कयामत का टाइम आता है तो सबके कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है, सजाएं यहीं के यहीं मिल जाती हैं, जिनको दुख दे रखा है वो आकर के दुख देंगे। सुख देंगे जो रहा हुआ है तो लास्ट में वो भी तो लेंगे ना, कोई लास्ट में सुखी हो रहा होगा, कोई दुखी हो रहा होगा, हर एक ने अपना अपना हिसाब किताब तो बराबर करना है, जो दिया है जो लिया है वो तो बराबर करके चलना है ना। सच सच शिव पर बलि तुम अब चढ़ते हो, शिव का बनते हो वर्षा लेने के लिए, बाकी वे जो काशी कलवट खाते हैं वे तो घात करना है, वे तो घात करना है, परंतु नवदा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा इस समय भोग कर पाप खत्म होते हैं। फिर पाप करने से तो छूट ना सके, फिर पाप करने से तो छूट ना सके, योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं, सतयुग में विकर्म नहीं बनता, क्योंकि माया का राज्य ही नहीं, माया का राज्य ही नहीं। अब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है, पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं वे पाप ही करते हैं। है ही रावण राज्य, है ही रावण राज्य, रावण को जलाते हैं, रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है? बिल्कुल ही नहीं जानते, बिल्कुल ही नहीं जानते। रावण कहा ही जाता है पांच विकारों को, स्वर्ग में ये विकार होते नहीं, स्वर्ग में ये विकार होते नहीं, इसलिए इनको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहां दूसरा कोई राज्य अथवा खंड होता ही नहीं, इस्लामी बौद्धी आदि सब पीछे आए हैं, वे भी पहले सतो प्रधान होते हैं फिर रजो तमो में आते हैं। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब
धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते आए हैं। पूरा विकारी बनने में भी समय लगता है, पूरा विकारी बनने में भी समय लगता है। सतयुग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर कला उतरते जाते हैं, क्योंकि है ही उतरती कला। अब तुम्हारी है चढ़ती कला, चढ़ती कला राम बनाते हैं, उतरती कला रावण बनाते हैं। जैसे चंद्रमा को की धीरे धीरे कला कम होती जाती है, दुनिया भी ऐसे हैं, अभी तो नो कला, नो कला, कोई कला ही नहीं रही। ऐसे समय पर बाप आकर फिर 16 कला संपूर्ण बनाते। ये खेल सारा भारत के ऊपर ही है, भारत पर ही बना है, नहीं तो 84 जन्म वर्ण भी भारत में ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण भी भारत पर ही, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहां। बाप समझाते हैं, ये है आयरन एज्ड दुनिया, कलयुग का अंत है, फिर सतयुग का आदि होगा। जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, वे फिर आएंगे। तुम आए हो ना, देखो झाड़ के अंत में कौन खड़ा है, ब्रह्मा बाबा खड़ा है। वे है तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रहे हैं, सतो प्रधान बनने के लिए। फिर क्या दिखा है इस झाड़ में, साइड में कमल का फूल दिखाया है। जब वो कमल फूल समान पवित्र बन जाता है, तो फिर स्वर्ग के राजकुमार, प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता। जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, वैसे ब्रह्मा कुमारियां भी तपस्या कर रहे हैं। आप जो ये ब्रह्मा सतो प्रधान बन रहे हैं, उनमें परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं। किसमें आकर अपना परिचय देते हैं, जो ब्रह्मा अब सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसके तन से आकर अपना परिचय देते हैं, इनको बताते हैं, तो बच्चों को भी बताते हैं। कभी कहता है मैं बच्चों को बताता हूं, ये सुन लेता है। आज क्या कहते हैं, इनको बताता हूं तो बच्चे भी सुन लेते हैं, इनको बताते हैं तो बच्चों को भी बताते हैं। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो देवता बनने के लिए, ये मंदिर हूबहू तुम्हारा जड़ यादगार है। अब ऐसा कोई बुद्धिवान बच्चा हो तो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएं। अब ऐसा कोई बुद्धिवान बच्चा हो तो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि ये ऊंचे ते ऊंचा मंदिर है, इसमें जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसमें मम्मा भी है, बाबा भी है, बच्चे भी हैं, तपस्या कर रहे हैं,
बाकी सब एक ही मम्मा की मूर्ति है, अंदर एक बाहर भी रखी है और एक अंदर भी रखी है, और बाबा भी साइड में काला बैठा है। फिर सब तपस्या भी कर रहे हैं, सब तपस्या करने वालों की आंखें चलो नहीं देखा, चलो कोई बात, खोल के आया था रामचंद्र भाई, खोल के आया था, जब आप देखने गए थे तो आंखें बंद थी। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी विलायत वाले सुनेंगे तो कहेंगे ये तो हमारे बाप का मंदिर है, जो भारत को हेवन बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं, जो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है ये तो कोई जानते नहीं, ये सब चित्र अंधश्रद्धा के बने हुए हैं। इनको भूत पूजा कहा जाता है, गुड़ियों की पूजा, गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया वे नई आत्मा थी, निर्विकारी थी, वे कहां आई, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया, पहले किसी शरीर में प्रवेश किया होगा, तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती, पहले तो उनको सुख भोगना है पीछे दुख, ऐसा कोई विकर्म ही नहीं किया तो दुख क्यों भोगे। हम भी पहले संपूर्ण रहते हैं फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं, हर एक मनुष्य का ऐसे होता है। बुलाते हैं पतित पावन आओ तो जरूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे और पतित दुनिया का विनाश करेंगे। ब्रह्मा द्वारा, किसके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, कितना अच्छी रीति समझाते, खुद ही कह देते अपने, कोई और तो बोलेगा नहीं, कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ये उनकी बुद्धि में बैठेगा जो देवी देवता धर्म का होगा। इसलिए बाबा कहते हैं भक्तों को ये ज्ञान दो, कोई को ये पता ही नहीं कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे, फिर असुर बने, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, जो बाद में आते हैं वे ब्राह्मण नहीं बने, वे ब्राह्मण नहीं, जो बाद में आएंगे धर्म पिताओं के बाद में आएंगे वो सतयुग में थोड़ा आएंगे, देवता तो ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब जिन्होंने आना ही द्वापर में है तो वो इब्राहिम के इस्लाम धर्म में जाएंगे, बौद्ध धर्म में जाएंगे, जैन धर्म में जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे, मुस्लिम धर्म में जाएंगे, जो धर्म बाद में आए हैं वो तो उन धर्मों में फिर जाएंगे, ब्राह्मण बने तो सतयुग के देवता बन जाएंगे। ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी हो। ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, नहीं तो बाहर गया, खलास,
प्रदर्शनी सुनी, सब कुछ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बाहर निकला कितना टाइम नहीं, कोर्स करने का टाइम नहीं, इसमें मेहनत है। और जगह तो सिर्फ कथाएं सुन, फिर घर आकर विकार में गिरते हैं, फिर कहते हैं हम एक घंटा सत्संग करके आए, बस भगवान तो अब तो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। गुरु का गुरु को पूरा फॉलो करते नहीं, फिर वो फॉलोवर्स कैसे हुए? गुरु लोग भी उनको कुछ कहते नहीं, वो क्या कहते हैं, गुरु लोग क्या कहते हैं, अब तुम गुरु की शरण में आ गए, अब सारे दुख तुम्हारे गुरु के, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पाप सारे अब हम अपने ऊपर ले लेंगे, हमारे गुरुजी हमारे पापों की सजा खाने के लिए जेल में गए, अब हमारे को कोई भी पाप नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे पापों की सजा खाने के लिए खुद जेल में चले गए। ठीक है, अगर कहें कि विकार में नहीं जाओ या हमें फॉलो करो, तो फिर एक भी फॉलोवर्स ना रहे, क्या फायदा है, जब हमें ही मेहनत करनी है, हमारा काम है पाप करना सजा खाना, तुम्हारा काम है, गृहस्थियों का ही तो खाते हैं, फिर विकारियों के पास जन्म लेना पड़ता है। देवताएं तो संन्यास करते नहीं, ये है प्रवृत्ति मार्ग, ये क्या है, प्रवृत्ति मार्ग का संन्यास, वो है निर्वृत्ति मार्ग का संन्यास। बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को समझाते हैं, बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्य पद पाएंगे, काम पद पाएंगे, यदि पूरा फॉलो नहीं करेंगे तो पद कम। फॉलो करना है किसको, माँ बाप को। बाप कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो गद्दी नशीन होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की, अब देह अभिमान छोड़ दो, मैं आत्मा हूं, बाबा लेने आया है, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला कहते हैं वे त्रिवेणी आदि का है, नदियों का मेला, उनको संगम कहते हैं, वास्तव में ये है अनेक नदियों और सागर का मेला। तुम सब ज्ञान नदियां हो, बाप ज्ञान सागर है, बाप कहते हैं मेरे से योग लगाओ, मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही, मरना तो है ही, बाप से वर्षा लेना है तो अभी ही भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की ही नहीं, तुमने भक्ति की ही नहीं, भक्ति करने वाले ही आकर राज्य भाग्य लेंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और सभी की बुद्धि में तो शास्त्र ही होंगे, यहां ज्ञान सागर बाप समझाते हैं तो तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में कितनी मेहनत होती है, कितनी मेहनत होती है, रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत
विघ्न पड़ते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक, देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना, नहीं फंसना। कर्म विकर्म ना बने इसलिए कर्म के पहले बाप से राय लेनी, बाप से राय लेनी है। धारणा के लिए मुख्य सार दो, माँ बाप को फॉलो करना है, ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन बनना है। वरदान, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास वेद आनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भव, पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए, ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन का आराम मिल जाता है। अंत में ये अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, न्यारा हो, अपने शरीर का पार्ट देखे कि मैंने आज सारे दिन में क्या क्या ठीक बाबा की श्रीमत पर किया, क्या क्या। तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सृष्टि पर कभी परले होती नहीं, सृष्टि पर कभी परले होती नहीं, सृष्टि पर कभी परले होती नहीं। अब ये जो मनुष्य समझ बैठे हैं कि इसी सृष्टि पर कोई समय परले अवश्य होती है, वो परले तो ऐसे ही समझते। अब परले का मतलब है सृष्टि पर जलमय हो जाना, नई सृष्टि की स्थापना होती है। जिस नई सृष्टि की शुरुआत दिखाते हैं, कैसे सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण देवता पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते सृष्टि पर पधारे हैं, दिखाते कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ। फिर ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती है। अब ये विवेक चलाने की बात है, कोई बुद्धि चलाए तब तो समझ में आए। जब अपन और हम कहते हैं परले का अर्थ है जलमयी, तो इसका मतलब है कि एक भी सृष्टि पर ना रहे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परले का मतलब क्या है। परले का यथार्थ मतलब है
कि सृष्टि पर जो जितना इतनी पवित्रता होने के कारण, जो सृष्टि पर इतनी अपवित्रता होने के कारण सृष्टि दुखी हो पड़ी है, उस अपवित्रता की परले हो जाती। परले किसकी होती है? अपवित्रता की परले हो जाती है और सारी सृष्टि पवित्र बन जाती है। गोया तमोगुणी सृष्टि, तमोगुणी सृष्टि बदल सतोगुणी सृष्टि बन जाती है। तो इसका मतलब है सृष्टि पर परले नहीं होती। मगर सृष्टि पर आश्री अवगुणों की परले होती है, बाकी कोई मनुष्यों की परले नहीं होती। अगर सृष्टि परले हो जाती तो फिर गीता में भगवान ने जो कहा है कि सृष्टि के सृष्टि अनादि है, सृष्टि क्या है? अनादि है, चली आती है, तो क्या ये भगवानों वाच झूठा समझे? बाकी इतना जरूर है कि पुरानी सृष्टि अर्थात तमोगुणी सृष्टि का विनाश हो, फिर नई सत्वगुणों से सृष्टि सत्वगुणी दुनिया की स्थापना होती है। तो विनाश और स्थापना, विनाश और स्थापना का कार्य दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सृष्टि परले हो जाती है, इस ही सृष्टि पर स्वर्ग और नरक की स्थापना होती है। बल्कि जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, और जब नरक है तो स्वर्ग भी नहीं। स्वर्ग कहते हैं जहां पवित्र देवी देवताओं का निवास स्थान है, और नरक कहते हैं मृत्यु लोक को जहां अपवित्र मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान है। मानो अपवित्रता की परले हो जाती है। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और नहीं। ओम शांति।